एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑटोकैड का वॉक थ्रू देखने वाले हैं और रेंडरिंग देखने वाले हैं। रेंडरिंग किस होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक क्लासरूम बनाया। यहाँ से मैं वायरफ्रेम ऑन करता हूँ। ये वाले इसके इसमें चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ पे विंडो है, टेबल बना है, ये वाला ऊपर का हम हाइड कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, ये मैं यहाँ से फिर से रियलिस्टिक कर देता हूँ। तो इसको मैंने मटेरियल भी अप्लाई किया है। मैंने मटेरियल बताया था कि कहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको विजुअलाइज में जाके मटेरियल ब्राउजर है, तो जो मैकेनिकल कंपोनेंट रहेगा तो आप मेटल वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये सिर्फ आपको ड्रैग करना है। यहाँ पे मैं मेटल में जाता हूँ तो एल्यूमिनियम वगैरह है, सिर्फ इसको ऐसे इसके ऊपर ड्रैग करना है तो वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। और जो आपने मटेरियल अप्लाई किया है तो यहाँ से आप रियलिस्टिक में ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्लोरिंग बनाई है जिसके ऊपर सीलिंग है। यहाँ पे मैंने पेंट दिया है, यहाँ पे भी पेंट दिया है, व्हाइट कलर का पेंट है। इसको मैंने फैब्रिक का मटेरियल दिया है, ये वाला कारपेट एक अप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लाइट्स देना है। मैं यहाँ पे आइसोलेट में एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन ऑन करता हूँ तो ये ऊपर का फिर से शो हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन करता हूँ। एक कैमरा जाके यहाँ पे प्लेस करके एक बार सिंपल रेंडरिंग देखते हैं। जो टॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बेस पॉइंट दिया और ये डायरेक्शन में हमारा फोकल हो गया, फोकस हो गया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यह आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आपको इसकी जो हाइट है ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो हमें ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे आप ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। सेम इसको भी मूव करना पड़ेगा जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे पॉइंट वगैरह हाईलाइट हो सकते हैं, ये वाला यहाँ से फोकस हम ज्यादा लेंगे। यहाँ से इतना भी मैंने फोकस लिया, तो इतना मेरा पोर्शन जो है मुझे रेंडरिंग करना है। ये आप क्या है मेरा, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में वगैरह नीचे की डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, साइड एंगल में वगैरह। अभी मैं यहाँ पे आपको कैमरा व्यू चाहिए तो कस्टम में जाके यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, तो यहाँ पे वायर फ्रेम की जगह पे मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ। तो ये आपको ऐसे व्यू दिख रहा है। इसको मैंने ग्लास का मटेरियल दिया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रेम है। फिर से यहाँ से कस्टम की जगह पे कैमरा व्यू ऑन कर दो और वायर फ्रेम की जगह पे रियलिस्टिक ऑन कर दो। यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी साइजेस है पिक्सल्स में रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे मैं 800x600 करता हूँ। यहाँ पे मैं लो ही कर देता हूँ और रेंडर टू साइज करता हूँ। रेंडर पे मैंने अभी क्लिक किया,
यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही, तो हमें लाइट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं फिर से आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ, टॉप पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके पैरेलल यहाँ पे वाई फ्रेम करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट लाइट्स में ये पॉइंट वाला है, अलग अलग लाइट्स है, मैं एक यहाँ पे प्लेस करता हूँ एग्जिट। उसको मैं अभी कॉपी मिरर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेम, ये दोनों मिरर इस साइड करूंगा। उसके बाद हम इसकी हाइट देखते हैं ये कहाँ पे आए हैं। हाँ मैं फ्रंट व्यू में आया, तो ये यहाँ पे है वॉल के जो ऊपर का सीलिंग है उसके अंदर जा रहे हैं, तो हमें ये नीचे लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं व्यू सेट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन व्यू, तो जो हमारा फ्रंट व्यू है बैक व्यू है ये वाला, यहाँ पे ये टॉप व्यू हो जाएगा। यहाँ पे अभी टॉप हो गया, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ दोनों, ग्रीन कलर के सिलेक्शन से है, टोटल सब सिलेक्ट होंगे, मूव ये बेस पॉइंट लिया मैंने और यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने मूव किया। फिर से मैं अभी कैमरा व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक, उसके बाद सेम विजुअलाइज में रेंडर टू साइज। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, तो और लाइट चाहते हो तो और लाइट ले सकते हो। अभी ये लो क्वालिटी का भी है, तो इसमें लाइट्स का इफेक्ट वगैरह ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने सन स्टेटस का भी ऑन कर, यहाँ पे ऑन किया है, उसके बाद स्काई बैकग्राउंड ऑन करता हूँ मैं। सन का स्टेटस में यहाँ पे अभी टाइमिंग 10:43 दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पे ये वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है, तो 10:43 मतलब जो आपका सन रहेगा वो इस साइड रहेगा, राइट साइड में, ईस्ट साइड में। तो यहाँ पे भी विंडोज है, इस साइड रहेगा तो लाइट कम आ जाएगी। तो ये मैं फिर से कैमरा व्यू में आता हूँ रियलिस्टिक रेंडर टू साइज। यहाँ पे मैं हाई क्वालिटी सेट करूंगा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा लाइट का इफेक्ट दिखेगा। इसको टाइम लगेगा बहुत, यहाँ पे अभी 2% हुआ है। तो इससे आपको रेंडरिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने देखने वाले हैं वो एमिंग पाथ है, मतलब वॉक थ्रू। इसका शॉर्टकट वॉक थ्रू के लिए AMI एंटर करने का, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, तो वो वॉक थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी टाइम लगेगा बहुत।
जो भी मटेरियल्स वगैरह टेक्सचर्स वगैरह आएगा तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। लाइब्रेरीज आपको ऑटोकैड की ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको फ्रेम वगैरह चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, आप बना भी सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो सोफा वगैरह से। इसका मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये हम ऑटोकैड में ओपन करेंगे और उसमें हम वॉक थ्रू देखते हैं। तब तक जरा हैंग हो जाएगा, दूर सॉफ्ट पहले से रेंडरिंग चल रहा है। इसमें ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जो भी आपको लाइब्रेरीज वगैरह लग रही है तो आप एक फाइल में बना के उसका ब्लॉक करके सेव कर सकते हो, तो बाद में वो आप कभी भी कॉल कर सकते हो जब आपको लग रहा है। तो यहाँ पे वॉक थ्रू के लिए हमें वायरफ्रेम करना पड़ेगा और एक जो हमारा पाथ है कैमरे का तो वो निकालना पड़ेगा, तो हम स्प्लाइन से वगैरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वायरफ्रेम सेट करता हूँ, टॉप व्यू सेट करता हूँ, इसके बाद स्प्लाइन के लिए SPL एंटर, SPL एंटर, उसके बाद जो हमारा पाथ है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर बाहर निकलता हूँ, स्प्लाइन में आप जब आप पाथ दोगे तो पाथ देने के बाद कंप्लीट होने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करोगे तो ये सब यहाँ से जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी एंटर प्रेस किया तो ये हमारा पाथ है। और अब हम वॉक थ्रू के लिए शॉर्टकट है AN एंटर। इसके बाद यहाँ पे लिंक कैमरा टू ऑप्शन है जिसमें हमें पाथ देना है, पाथ या फिर पॉइंट ले सकते हो, हमें पाथ फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा पाथ है, कैमरा ये फॉलो करेगा, इसको ओके करता हूँ। और टारगेट जो है हम एक पॉइंट लेंगे जिसपे ऊपर वो फोकस करेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, कितना मिनट का अगर वीडियो चाहिए। यहाँ पे मैं 30 सेकंड्स करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। यहाँ पे अभी पाथ देखोगे तो ये सेम डाउनवर्ड है, तो हमें ये ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3D ऑन करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद M एंटर, ये बेस पॉइंट दिया, इफेक्ट ऑन करना पड़ेगा, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में से मूव हो जाएगा। यहाँ पे रोटेट करके मैं एक हेड सेट करता हूँ, या फिर इसकी 4000 हाइट रहेगी तो आप 1500 1200 वगैरह दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इतनी हाइट ले ली, फिर से मैं ANI एंटर करता हूँ,
पाथ हमारा ये है। उसके बाद टारगेट में हम पॉइंट देंगे, पॉइंट जो है वो ये वाला यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। ये पॉइंट देता हूँ मैं, इसको ओके करता हूँ। एक बार हम प्रीव्यू में देखेंगे, इसका टाइमिंग हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आके 1 सेकंड का है, तो हम यहाँ पे 30 सेकंड करते हैं प्रीव्यू। तो अभी ये जो फोकस है ये पॉइंट पे ही यहाँ पे रहेगा। तो ये वाला जरा हमें ये पीछे लेना पड़ेगा। जैसे आपका टाइम बढ़ता है उस हिसाब से फ्रेम्स भी बढ़ेंगे। यहाँ पे अभी 68% हो गया। इसके ऊपर भी आप डिजाइन्स वगैरह कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये वाला जो बाहर हमने निकाला है वो हम जरा बढ़ाएंगे। यहाँ पे टॉप व्यू सेट किया, ये वाला स्प्लाइन, ये पॉइंट हम बाहर लेंगे। जितना बाहर रहेगा उतना वो टोटल हमें दिख जाएगा हमारा जो भी प्रोजेक्ट है। हमारा फोकस ये वाले इस पे ही रहेगा। अभी मैं इसको सिर्फ फिर से ANI एंटर करता हूँ, पाथ ये वाला। यहाँ पे पॉइंट जो फोकस हम करने वाले हैं वो ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड बढ़ाते हैं, यहाँ पे विजुअल स्टाइल में रेंडर्ड करता हूँ। रेंडर्ड के लिए टाइम लगेगा बहुत। यहाँ पे रेजोल्यूशन अभी 160x120 रखता हूँ। इसको AVI फॉर्मेट में ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ तो यहाँ पे फिर से ये रेंडरिंग के लिए टाइम लगेगा हर 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे अभी अराउंड
ये 10 मिनट तो इसको लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आप फ्रेम नंबर देखोगे तो 9 of 900 चल रहा है और यहाँ पे टाइम लिखा रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी रेंडरिंग चल रहा है, और उसके बाद ये वाला भी प्रोजेक्ट का रेंडरिंग चल रहा है, ये ऑलमोस्ट अभी खत्म होगा। इसका और क्वालिटी भी आप कम कर सकते हो, सॉरी ज्यादा कर सकते हो, रिजोल्यूशन वगैरह बढ़ा के। हाँ ये मैं अभी कैंसिल करता हूँ और लो क्वालिटी का लगाता हूँ। यहाँ पे ये रियलिस्टिक करता हूँ या फिर हम रेंडर करते हैं, और यहाँ पे मैं सेकंड्स 5 देता हूँ, 5 सेकंड्स के लिए भी अराउंड 150 फ्रेम्स लग रहे हैं। यहाँ पे 3 सेकंड्स, अभी हमने जो रेंडरिंग के लिए इमेज लगाया था तो यहाँ पे अभी 99% है। यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे सेव कर सकते हो, इसको नाम दे सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट से जेपीजी वगैरह, जेपीजी में ये सेव करता हूँ। यहाँ पे क्वालिटी 100% करता हूँ मैं, इसको ओके किया। तो ये हमने डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 2 में सेव किया। यहाँ पे 1 2 3 ये इमेज है, तो इसे आप रेंडरिंग कर सकते हो। यहाँ पे शायद हो गया रेंडरिंग। अभी यहाँ पे रेजोल्यूशन बहुत कम है, इसलिए वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दिख रहा है। इसका मैं वीडियो रेंडरिंग करके आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।